as we are doing ideology of different political parties, and today I am going to start with ideology of BSP. BSP ka matlab Bahujan Samaj Party. Which party? Bahujan Samaj Party, jo at present Mayawati is the leader, Bahujan Samaj Party. So it was formed in, first of all, right, BSP. BSP ki full form aapko aani chahiye, Bahujan Samaj Party. And it was formed in 1984. Bahujan Samaj Party was formed in 1984 under the leadership of Kanshi Ram. Kanshi Ram, you have to learn the name. Under the leadership of Kanshi Ram, Bahujan Samaj Party was formed in 1984. Under the leadership of Kanshi Ram, you have to learn the name also. And this party represents kinko represent karti hai? Bahujan Samaj. This party represents and secure power for Bahujan Samaj. This party represent and secure powers for iske liye Bahujan Samaj. बहुजन समाज के लिए करती है ये पार्टी, विच इंक्लूड्स. अब बहुजन समाज में कौन कौन आते हैं? दलित्स. बहुजन समाज में आप बताओगे विच इंक्लूड्स दलित्स, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज, आदिवासीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज. लिसन अगेन, BSP, Bahujan Samaj Party, it was formed in 1984 under the leadership of Kanshi Ram. This party represents, kisko represent karti hai? Bahujan Samaj ko. Bahujan Samaj includes, ab Bahujan Samaj kisko include karta hai? Dalits, OBCs, OBCs ki full form, other backward classes, other OBCs and Adivasis and इसमें बहुजन समाज में आदिवासी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, दिस पार्टी गोट इंस्पिरेशन, बहुजन समाज पार्टी गोट इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज. दिस पार्टी गोट इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ साहू महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर. साहू महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले या महात्मा फूले, यू कैन राइट एनी, ज्योतिबा फूले और महात्मा फूले एंड ईवी रामास्वामी नेकर, जो मद्रास में सोशल रिफॉर्मर थे साउथ इंडिया के. ईवी रामास्वामी एक ही नाम है, ईवी रामास्वामी पेरियार नेकर एक ही है नहीं, ईवी रामास्वामी पेरियार भी कहते हैं, नेकर भी कहते हैं. ईवी रामास्वामी पेरियार नेकर. इज इट क्लियर? दिस पार्टी गोट इंस्पिरेशन फ्रॉम साहू महाराज, फ्रॉम द आइडियाज ऑफ साहू महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर या बी आर अंबेडकर, महात्मा फूले एंड नेकर, एन ए आई सी के ई आर, नेकर या पेरियार, आप कुछ भी कह सकते हो. ईवी रामास्वामी आप कुछ भी बुला सकते हो, ठीक है. अब इसी में आप बताओगे This party formed government in Uttar Pradesh several times. This party formed government, कहाँ पे ये party main popular है? Uttar Pradesh में. Formed government in Uttar Pradesh several times with the support of other political parties. Bahujan Samaj Party ने कितनी बार Uttar Pradesh में अपनी government बनाई है with the support of other political parties? And it is also प्रेजेंट इन, अब ये और कहाँ कहाँ पाई जाती है, पंजाब में भी है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड. इट इज ऑल्सो फाउंड इन पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली. इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन, अब आपको ईयर समझ आ गया होगा, 2019. इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन This party got 3.63% vote
एंड 10 सीट्स इन लोकसभा. हाउ मेनी सीट्स? 10 सीट्स. 3.63% 3.63% वोट्स. कितने परसेंट? 3.63% 3.63% वोट्स एंड 10 सीट्स इन द लोकसभा. नाउ इज इट क्लियर? अब इसकी आइडियोलॉजी करेंगे. आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी आप वो तो अपने आप ही करोगे. लीडर एंड सिंबल, लीडर एंड सिंबल ऑफ दिस पार्टी, डू इट योरसेल्फ. अब आप करोगे आइडियोलॉजी ऑफ बहुजन समाज पार्टी, आइडियोलॉजी ऑफ बीएसपी. फर्स्ट पॉइंट तो आप यही बता सकते हो, इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द दलित्स. दलित्स की वेलफेयर के लिए वर्क करती है. नेक्स्ट आप कह सकते हो इट वॉन्ट्स टू सिक्योर पावर. इट डिपेंड्स, आपने पहले भी लिखा है तो आप उसी पॉइंट को दोबारा ऐड कर सकते हो आइडियोलॉजी में. इट वॉन्ट्स टू सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज. इट वॉन्ट्स टू सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज. ये सिर्फ आपने दोनों पॉइंट्स बीएसपी में लिखने हैं. नो, यू विल नॉट राइट दीज टू पॉइंट्स इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बीजेपी. आप उसमें ये पॉइंट्स नहीं लिखोगे. इज इट क्लियर? दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ दलित्स. इट वॉन्ट्स टू सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज. टू पॉइंट्स लिखने के बाद बाकी पॉइंट्स यू कैन राइट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट वर्क्स फॉर वीकर सेक्शंस. अब वीकर सेक्शंस तो यही आ गए. इट वर्क्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट प्रमोट सेक्युलरिज्म. इट इज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म. यू कैन राइट दीज पॉइंट्स, डिपेंड अपॉन योर विश. आप इसमें जम्मू एंड कश्मीर वाला पॉइंट ऐड नहीं करोगे. आप दलित्स वाले पॉइंट बीजेपी एंड कांग्रेस में ऐड नहीं करोगे. नो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सीपीआई. सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसमें स्प्लिट हुआ था, तो स्प्लिट होने के बाद बन गई सीपीआई एमबी. ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. नो, लेट्स बिगिन. इट वाज फॉर्मड इन, सीपीआई वाज फॉर्मड इन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड इन 1925. यू हैव टू लर्न दिस ईयर फॉर वन मार्क क्वेश्चन. It was formed in 1925. It believes in the ideas of Karl Marx and Lenin. You have read about these socialists, Karl Marx and Lenin, in chapter socialism coming to Europe. Russia वाले chapter में आपने Lenin पढ़ा, and socialism में आपने कहीं ना कहीं Karl Marx पढ़ा. In ninth class you have read about these two socialists, Karl Marx and Lenin. ठीक है, तो लेनिन आपको याद होगा. इन रशिया यू हैव रेड अबाउट लेनिन इन डिटेल. कि लेनिन फोट फॉर द राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स. लेनिन ने पूरा टाइम वर्कर्स एंड पीजेंट्स के राइट्स के लिए फाइट की थी. तो सीपीआई जो है ना, दैट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फॉर्मड इन 1925 एंड इट बिलीव्स इन द आइडियाज ऑफ. किसके आइडियाज में बिलीव करती है? कार्ल मार्क्स एंड लेनिन. कार्ल मार्क्स एंड लेनिन. नेक्स्ट, this party is popular in Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. This party is popular in Kerala, West Bengal, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Next, in the last Lok Sabha election, this party got 1% vote and 2 seats in Lok Sabha. Only 1% vote and 2 seats in Lok Sabha. 1% vote and 2 seats in Lok Sabha. There was split in this party. Kis party mein split hua tha? In 1964. Split pata hai na, toot jana. There was split in this party in 1964.
And from this, CPIM was formed. There was split in this party. कौन से ईयर में split हुआ? 1964. And this led to the, आप कह सकते हो, या फिर इस split के कारण CPIM was formed. Now is it clear? First of all, this party was formed in 1925. It believes in the ideas of Karl Marx and Lenin. कहाँ कहाँ पॉपुलर है आपको ये बताना है, इट्स लीडर बताना है, इट्स सिंबल बताना है, एंड देन यू हैव टू टेल कि इस पार्टी में सप्लिट हुआ, इन विच ईयर देयर वाज सप्लिट, 1964, एंड फ्रॉम दिस पार्टी सीपीआईएम वाज आल्सो फॉर्म्ड. इसी में से एक और पार्टी बन गई सीपीआईएम. फिर आपको बताना है कि इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन इस पार्टी को सिर्फ 2 सीट्स इन लोकसभा मिली है. बस दिस पार्टी गोट ओनली 2 सीट्स इन लोकसभा. इनको तो फिर 10 सीट्स मिली है, इनको सिर्फ 2 सीट्स इन लोकसभा. नो इज इट क्लियर? सप्लिट हुआ, सप्लिट कौन से ईयर में हुआ? 1964. एंड इन 2019 जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, दिस पार्टी गोट ओनली 2 सीट्स इन लोकसभा. आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ सीपीआई, फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिलीव्स इन आपने ये पॉइंट किसी दूसरी पार्टी में नहीं लिखना. फर्स्ट 2 पॉइंट्स है ना, वो आपके उसी पार्टी के रहेंगे. इट बिलीव्स इन लेनिनिज्म एंड मार्क्सिज्म. इट बिलीव्स इन लेनिनिज्म मींस लेनिनिज्म एंड मार्क्सिज्म. मार्क्स किसको मैं बोल रही हूँ? कार्ल मार्क्स को. इट बिलीव्स इन लेनिनिज्म एंड मार्क्सिज्म. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, It works for the welfare of peasants and workers. It works for the welfare of किसकी welfare के लिए? जैसे ये it works for the welfare of Bahujan Samaj, Dalits के लिए लड़ती है. This party works for the welfare of peasants and workers. 2 points लिखने, it believes in Leninism and Marxism. It works for the welfare of peasants and workers. And rest of the points you can take from Congress. Ideology of other parties, you can write same, promote secularism, promote democracy, against imperialism. Now, is it clear? CPI was formed in 1925. Next, ab aajo CPIM. Iska to year apne aap hi clear hai, split hua tha 1964 mein. It means this party was formed in 1964. Ab ye party kaun se year mein bani? 1964. अब इसमें आप ऐसे ही बताओगे कि दिस पार्टी वाज फॉर्मड इन 1964 आफ्टर द सप्लिट इन सीपीआई. ये पार्टी 1964 में बनी आफ्टर द सप्लिट इन सीपीआई. सीपीआई में सप्लिट हुआ तो कौन सी पार्टी बन गई? सीपीआईएम. नो इज इट क्लियर? ईयर आपको लर्न अपने आप हो जाएगा अगर आपको सप्लिट याद होगा तो. सीपीआईएम, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसका मीनिंग क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. तो इसमें आप बताओगे दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड, फुल फॉर्म ऑफ दिस पार्टी सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. इट वाज फॉर्म्ड इन 1964 आफ्टर द सप्लिट इन सीपीआई. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में सप्लिट हुआ तो सीपीआईएम बन गई. ठीक है, दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1964. ईयर तो अपने आप ही क्लियर है क्योंकि सप्लिट वाला आपने बताना है. नेक्स्ट आप बताओगे This party was powerful in West Bengal. This party was powerful in West Bengal and formed government. This party was powerful in West Bengal and formed government without a break. This party was powerful in West Bengal and formed government without a break. Without a break for 34 years. 34 years तक इसने West Bengal में government बनाई without any break. This party was powerful in West Bengal and formed government without any break for 34 years. It was present in, popular in, अब आपको West Bengal तो पता ही चल गया, त्रिपुरा, Kerala. It was popular in West Bengal, Tripura, Kerala. In the last Lok Sabha election, this party won
1.7% votes and 3 seats. In the last Lok Sabha election, this party won 1.75% votes and 3 seats in the Lok Sabha. Kitni seats ise mili? 3 seats. In a 2 seats, ise 3 seats. 3 seats in the Lok Sabha. Ideology. Same as CPI. Same. It believes in Leninism and Marxism. It works for the welfare of peasants and workers. Rest of the points are same. Ideology is same. But here you have to learn the leader and symbol also. Leader and symbol you have to learn. Next, Indian National Congress. Ab ye bhi split ke baad bani thi. Kis mein split hua tha? INC mein. Indian National Congress. सॉरी ये तो आप कर चुके हैं ना इंडियन नेशनल कांग्रेस. एक मिनट में इसको भी लिखती हूँ. ये है आपकी INC, ठीक है, जो फर्स्ट पार्टी आपने की थी. तो देयर वाज स्प्लिट इन दिस पार्टी एंड फ्रॉम दिस पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म्ड. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बन गई. Listen again. CPI mein split hua in 1964. CPI-M was formed. Indian National Congress mein split hua. Theek hai? Indian National Congress mein split hua. Kaun se year mein split hua? 1999. Aur kaun si party ban gayi? Nationalist Congress Party. Dekho, do parties mein split hai. CPI 1925. There was split in 1964. CPI-M was formed in 1964. Indian National Congress formed in 1885, oldest political party of the world. And there was split in Indian National Congress. INC mein split hua. So which party was formed? Nationalist Congress Party. Paper mein puch lete hote hain NCP ki full form batao. Aapko sabki full form bhi aani chahiye. NCP, Nationalist Congress Party. It was formed in 1999 after the split in Indian National Congress. Iski beginning aap aise bataoge na, Nationalist Congress Party was formed in 1999 after the split in Indian National Congress. Indian National Congress mein split hua to kya ban gayi? Nationalist Congress Party. Next, this party is powerful in Maharashtra, and in Maharashtra it is the major political party. This party is powerful in Maharashtra. Maharashtra mein ye powerful hai. It is also present in Meghalaya, Manipur, Assam. This party is powerful. Kaun se state mein ye powerful hai? Nationalist Congress Party. Maharashtra. Sharad Pawar apne name suna hoga. This party is powerful in Maharashtra. Also present in Meghalaya, Manipur, Assam. In states mein bhi paayi jati hai ye wali political party. Next, in the last Lok Sabha election, this party got 1.4% votes and 5 seats. 1.4% votes. Kitne? 1.4% votes and 5 seats in Lok Sabha. In the last Lok Sabha election, this party got 1.4%. Maine 1 point likha, 1.4% votes and 5 seats in the Lok Sabha. Leader and symbol you have to write. Leader and symbol aap apne aap karoge. And you know कि ये पार्टी चाहे इसमें सप्लिट हुआ बट फिर भी ये सपोर्ट किसे कर रही है? इसी को, यूपीए को ही सपोर्ट कर रही है ये पार्टी. ये किसको सपोर्ट कर रही है? यूपीए को. यूपीए को सपोर्ट करते हैं ये पार्टी. अब आप बताओगे आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी अब इसमें आप बताओगे. फर्स्ट पॉइंट, दिस पार्टी वॉन्ट दैट हाई ऑफिसर्स. This party want
दिस पार्टी वॉन्ट्स दैट हाई ऑफिसेस एंड हाई पोजिशंस इन हाई ऑफिसेस इन इंडिया, दिस पार्टी वॉन्ट्स दैट हाई ऑफिसेस इन इंडिया शुड बी गिवन टू द नेचुरल बोर्न इंडियन सिटीजन्स, दिस पार्टी वॉन्ट्स दैट हाई ऑफिसेस इन इंडिया शुड बी गिवन टू द नेचुरल बोर्न सिटीजन्स ऑफ इंडिया नॉट टू द पीपल ऑफ फॉरन ओरिजन. ये पार्टी की मेन आप बताओगे दिस पार्टी वॉन्ट्स दैट हाई पोजिशंस हाई ऑफिसेस इन इंडिया शुड बी गिवन, किसको देने चाहिए, शुड बी गिवन टू नेचुरल बोर्न इंडियन सिटीजन्स नॉट टू द पीपल ऑफ फॉरन ओरिजन, नॉट टू द पीपल ऑफ फॉरन ओरिजन. नेक्स्ट, दिस पार्टी बिलीव्स इन, रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स यू कैन राइट सेम, बिलीव्स इन, क्योंकि ये किसकी सपोर्टर है, यूपीए की है, तो इनकी आइडियोलॉजी सेम ही है. बस एक पॉइंट आपने बताना है, दिस पार्टी वॉन्ट दैट हाई ऑफिसेस इन इंडिया शुड बी गिवन ओनली टू नेचुरल बॉर्न इंडियन सिटीजन्स नॉट टू द पीपल ऑफ फॉरन ओरिजन. फॉर एग्जाम्पल इधर सोनिया गांधी है ना, तो ये पार्टी नहीं चाहती कि कल को आने वाले टाइम में सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी इंडियन बॉर्न सिटीजन नहीं है. इज इट क्लियर? तभी इस पार्टी में स्प्लिट हुआ था कि हाई ऑफिसर्स इन इंडिया शुड बी, वो इटली की है सोनिया गांधी, तो दिस पार्टी वॉन्ट दैट हाई ऑफिसर्स इन इंडिया शुड बी गिवन ओनली टू इंडियन बॉर्न सिटीजन्स नॉट टू द पीपल ऑफ फॉरन ओरिजन. इट मीन्स सोनिया गांधी के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो इटालियन बॉर्न है, तो ये पार्टी नहीं चाहती, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि सोनिया गांधी कभी भी इंडिया में हाई पोजिशन पे, हाई ऑफिस जो हाई, वो कभी भी सोचो कि वो प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए. तो बाकी आइडियोलॉजी सेम है, बिकॉज दिस पार्टी इज ऑल्सो द सपोर्टर ऑफ यूपीए. ये बाहर से किसको सपोर्ट कर रही है, यूपीए को ही सपोर्ट कर रही है. तो इज इट क्लियर? आइडियोलॉजी सेम. ओनली वन पॉइंट, ये पॉइंट जो आप इधर लिखोगे, दिस पार्टी वॉन्ट दैट हाई ऑफिसर्स इन इंडिया शुड बी गिवन ओनली टू द नेचुरल बॉर्न इंडियन सिटीजन नॉट टू द पीपल ऑफ फॉरन ओरिजन, आप किसी और पार्टी में नहीं लिखोगे. Now is it clear? First two points जो आप कर रहे हो ना, first and your second point also आप दूसरी parties में नहीं लिखोगे, वो उसी पार्टी का मैंने main बताया. Now is it clear? बाकी ideology आप common रख सकते हो. Now the last is, last All India Trinamool Congress AITC AITC All India Trinamool Congress. First of all, write its full form. AITC All India Trinamool Congress. Trinamool TRINAMOOL. Because this part is not given in the given in your book. आपकी book में नहीं दी होगी, क्योंकि ये नहीं add हुई है. All India Trinamool Congress. अब इसमें आप बताओगे, दिस पार्टी वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी. दिस पार्टी वॉज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 1, 1998 under the leadership of Mamata Banerjee. ये launch हुई थी 1998 में, but it is recognized as nationalist party, it got recognition as nationalist party in 2016. Nationalist party ये कब बनी? 2016 में. It got the recognition as nationalist party in 2016. Launch kab hui? 1st January 1998. Kiski leadership mein? Under the leadership of Mayawati. Sorry, Mamata Banerjee. Mayawati to BSP ki hai. Theek hai? Listen again. All India Trinamool Congress. This party was launched on January 1st, 1998 under the leadership of Mamata Banerjee. This party recognized as nationalist party in 2016 mein kya ban gayi, nationalist congress party. So you have to learn both the years, launch kab hui, mcq mein puch sakte hain, kiski leadership mein hui, ya ye party ko
कब नेशनलिस्ट पार्टी ये एज ए कब ये नेशनलिस्ट पार्टी बनी, यू नो इट वेरी वेल ना, इलेक्शन कमीशन रेकोगनाइज गिव रेकोगनीशन टू द पार्टीज एज नेशनलिस्ट और रीजनल, तो ये पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी कब बनी, 2016। नेक्स्ट, पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास, पार्टी का सिंबल क्या है, फ्लावर, सिंबल ऑफ द पार्टी इज फ्लावर्स एंड ग्रास, फ्लावर्स एंड ग्रास। दिस पार्टी इज पावरफुल इन वेस्ट बंगाल, इट इज ऑल्सो फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन, इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन दिस पार्टी गॉट, तभी ये नेशनलिस्ट पार्टी देखो अब कितनी पावरफुल बन चुकी है ये, इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन दिस पार्टी गॉट 4.07% वोट्स, 4.07% वोट्स एंड 22 सीट्स इन लोकसभा। इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन दिस पार्टी गॉट, इनसे तो कितनी ज्यादा लेके गई, दिस पार्टी गॉट 4.07% वोट्स एंड 22 सीट्स इन द लोकसभा। ये 5 सीट्स लेके गए, ये 2 सीट्स लेके गए, ये 3 लेके गए, ये 22 सीट्स इन द लोकसभा। आइडियोलॉजी ऑफ दिस पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्टी प्रमोट फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म, दिस पार्टी प्रमोट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, इसमें आप लिखोगे इट प्रमोट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, या इट बिलीव्स इन सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, कैसे भी आप कह सकते हो, बिलीव्स भी वर्ड लिख के कर सकते हो, इट बिलीव्स इन सेकुलरिज्म, इट बिलीव्स इन फेडरलिज्म, इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी, इट इज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, इट वर्क्स फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यू कैन राइट एनी पॉइंट्स इन दिस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इज इट क्लियर, वी हैव डन द आइडियोलॉजी ऑफ ऑल द पोलिटिकल पार्टीज, वी हैव डन चैलेंजेस, वी हैव डन हाउ टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन पोलिटिकल पार्टीज, अवर लेसन इज नाउ कंप्लीटेड। You have done the ideology of all the political parties. So learn the ideology and the years when these parties are formed.